के बापूसा है ना, इन्होंने ही थारी टीचर का अपहरण किया है और दूर किसी गांव के खंडर में रखा हुआ है। बस किसी तरह मैं यहां से निकल जाऊं, फिर तेरे और तेरे सरपंच भाईसा का दोनों का अहंकार मिट्टी में मिला दूंगी। ये बकवास बंद कर। प्रगति चल हमारे साथ खेत में। अरे किधर है छोट ये मासा? अरे प्रगति को भेज हमारे साथ खेत में चले। मासा आप चलो, मैं प्रगति के साथ ना प्रगति के बापू के वास्ते और आपके वास्ते खाना भेज दूंगी। आप चलो। ठीक है, जल्दी भेजना। हाँ। अरे तू बैठ गई हमारा रास्ता रोक के। प्रगति इकट्ठी गई छोरी सुबह सुबह। प्रगति, ओ प्रगति, प्रगति। अरे लाडो अभी तक सो रही है, कितनी सुबह। लाडो अट्ठे भी कौन, कहाँ गई होगी? आज तुम सबने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। टीचर जी आप भी तो सबके भले के लिए कितना कुछ करती हो। अच्छा सुनो रानी, तुम सारे बच्चों के साथ घर सावधानी से जाओ। मैं प्रगति के साथ थाने जाकर आती हूँ। और हाँ, अच्छे से घर जाना और सब लोग अलग अलग होकर जाना सावधानी से, ठीक है? चलो जाओ। चलो प्रगति। अकेली आई है खाना लेके, छोरी कहाँ है? तने तो घर में बैठ के अनाज पीसना था ना। के वो? अरे कुछ बोले ना, छोरी कहाँ है? मासा वो सुमित्रा है ना, वो सुबह सुबह आई थी उसे बुलाने के लिए, तो मैंने छोरी को वो उधर ही भेज दिया। मैं रोटी लाई हूं। ध्यान रखा कर छोरी का। चल छाया में खाना लगा, आ रही। बोलिए मैडम जी। मेरी पिछली कंप्लेंट पर कोई एक्शन हुआ? मैडम जी कार्यवाही चल रही है। अरे ये सरकारी काम है, वक्त तो लगता ही है।
अब मारे सिपाही हवेली 3 बार गए गजोधर को गिरफ्तार करने, पर वो फरार है। गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, पर आप निश्चिंत रहो, आज नहीं तो कल मुजरिम गिरफ्तार जरूर होगा। कुछ नहीं करोगे आप लोग, तनख्वाह सरकार से लेते हो और गुलामी हवेली की करते हो। आपकी लापरवाही का नतीजा उस गजोधर ने मेरा अपहरण किया। वो तो भला हो प्रगति का, अगर प्रगति वक्त पे ना ही होती तो मैं आज आपके सामने जिंदा ना खड़ी होती। मजाक बना के रख दिया है आपने कानून का। आप अभी मेरे अपहरण की रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं एसपी साहब से बात करूं। अरे मैडम जी, आप एसपी साहब को बीच में ना लाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आज शाम तक गजोधर को किसी भी हालत में गिरफ्तार करूंगा। ये वादा आपने पिछली बार भी किया था, क्या परिणाम हुआ उसका? आप अभी एसपी साहब को फोन लगाइए और मेरी बात करवाइए। मैडम आप तो फोन लगाइए। मैडम जी, फोन इंगेज आ रहा है, बात ना हो पाएगी। मैं ही उनसे बात करती। अरे मैडम जी, आप समझिए, मैंने फोन लगाया था ना, फोन तो, अरे आप हेलो। हेलो सर। सर मैं गांव धूला राव से सरकारी टीचर आशा बात कर रही। हाँ आशा जी बोलिए। सर मैं पुलिस स्टेशन में सरपंच और उसके भाई गजोधर के खिलाफ 3 बार रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी, मगर अभी तक यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सर कल तो हद ही हो गई, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरी इज्जत पे हाथ भी डाला और मेरा अपहरण भी करके ले गए। और सर मैं किसी तरह स्कूल के बच्चों की मदद से छूटकर यहाँ आई। मुझे सरपंच और उसके भाई गजोधर से मेरी जान को खतरा है सर, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। सर प्लीज आप इस मामले में दखल दीजिए, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। आप ऐसा मत सोचिए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी भी तो है। थैंक यू सर। ठीक है, इंस्पेक्टर से बात कराइए। जी सर। जय हिंद सर। अरे काम चोर, पिछली बार मैंने तुझे आशा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी ना, फिर भी बदमाश सरेआम बदमाशी करते ही जा रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है तुम सब लोग उससे मिले हुए हो। अरे मैं तुझे ईमानदारी से ड्यूटी ना करने, रिश्वत खोरी और अपराधियों के साथ देने के जुर्म में सस्पेंड कर दूंगा। ये लीजिए बेटा, ये रहा रजिस्टर और ये रहा पेन, जो लिखना हो लिख दीजिए। खम्मा हुकम। अरे के होया थानेदार, इतना घबराया क्यों है तू? ये गजोधर भाई साहब के कर रहे हैं हुकम? अरे मारी तो नौकरी पे बनाई है। अरे के किया लल्ला ने, बता तो सही मारे को। आज मास्टरनी फिर थाने आई थी, कल गजोधर भाई साहब ने उसका अपहरण कर लिया था। हुकम
पहले ही जे मास्टरनी गजोधर भाई साहब पे जानलेवा हमला करने और इज्जत लूटने का कंप्लेन कर चुकी है। अरे किसी तरह आप गजोधर भाई साहब को रोको, रोको आप उन्हें, ये सरकारी टीचर है। एसपी साहब ने तुम्हारे को धमकी दी है, वर्दी उतारकर जेल में डाल लेगी। एसपी बहुत कड़क आदमी है, अगर इसने इस मामले में एक बार हाथ डाल दिया हम सब फंस जाएंगे। हुक्म चिंता ना कर, घड़ी खम्मा हुक्म। थोड़े लोगों के नाक के नीचे से कोई उस मास्टरनी को उड़ा के ले गया, बेशर्मो जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पता ना कौन था, कहां लेके गया। अगर शाम तक मास्टरनी का कुछ पता ना लगा ना तो तुम लोगों की कोले खिंचवा के भूसा भरवा दूंगा उसमें। आई बात समझ में? पता ना होगा, हम आपके जाते हमने देखा तो छोड़ी गया, पूरा खंडर छान मारा, ऐसा लगता है कोई जादू कर उड़ा के गया। जादू? ये वो देख जादू। अरे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्यों मास्टर ने इतनी जल्दी गायब कहां हो गई। लल्ला जी भाई साहब, हवेली आ जा अभी। हुक्म भाई साहब, अभी आया। हमारी बात ध्यान है ना, शाम तक अगर वो मास्टरनी ना मिली तो तुम लोगों का क्या असर होगा। जी हुकुम। अब सब ठीक हो जाएगा, हमने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है ना। सरपंच साहब, छोटे को इस छोरी ने तो नाक में दम कर दी, कलेजा पेड़ पे टंगा रहे इसके कारण। आज बताती बचौरी, तू क्या कर रही है इसके साथ? और तू, तन्ने तो गुंडे उठा के ले गए थे ना, छूट गई के? दादी साहब, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मैं जिंदा बच पाई हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद के कारण? मतलब मैं कुछ समझी ना। प्रगति ने मेरी जान बचाई है, कजोधर मेरा अपहरण करके ले गया था, वो तो मुझे जान से मारना चाहता था। अगर प्रगति सही समय पर नहीं आती तो गजोधर मुझे तड़पा तड़पा के मार देता। मारा तो दिमाग ही काम ना करे है, के बोलूं के ना बोलूं। और छोरी, तन्ने कुर्बानी का बड़ा शौक है ना, तन्ने अकल सिखाना बड़ा जरूरी है। चल छोड़, उसका दादी साहब, दादी साहब इसे छोड़ दीजिए। दादी साहब चल भाई साहब, अरे दादी साहब इसकी कोई गलती नहीं है, सबक सिखा दो। दादी साहब इसे छोड़ दीजिए। दादी साहब, भाई साहब फोन किया था आपने? हाँ, बहुत याद आ रही थी थारी, देखने का मन कर रहा था। तुम्हारे को एक बात बता लल्ला, तुम्हारा जो दिमाग है थारे घुटने से चढ़कर थारे खोपड़ी तक कब पहुंचेगा? हाँ? हजार बार समझाया थारे को कि कोई भी कदम उठाने से पहले अपने भाई साहब से तो पूछ ले, पर ना जो मन में आता है करता रहता। कहा जरूरत थी उस मधुमक्खी जैसे मास्टरनी के छत्ते में हाथ डालने की, कहा जरूरत थी? मार से पूछे बगैर उठा लिया उसे और थारे आंखों में धूल झोंक कर भाग गई वो। ऐसा वही तो मैं सोच रहा हूँ कि उस खंडर से भागी कैसे। अरे भागने का छोड़, तुम्हारी एक बात अपने दिमाग में गांड बांध ले कि आज के बाद उस मास्टरनी को ना हाथ नहीं लगाएगा। पर भाई साहब वो मास्टरानी तो ठंड रखना, हाथ जोड़ू थारे आगे। तुम्हारी बात का कान खोल के सुन ले, सरकारी कर्मचारी को हाथ लगाना मतलब कड़ी पहनने के बराबर हो गए है। आई बात समझ में? जी। और वो मास्टर पढ़ी लिखी है, कानून जाने है। पता थारे चुंगल से छूटने के बाद कहाँ गई? सीधे थाने, थारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। भाई साहब वो थानेदार भी तो अपने जानने वाला है ना। अरे पुलिस की भी औकात है ना लल्ला, एसपी के पास गई थी रिपोर्ट लिखाने,
विधायक से हमारी बात हुई, उसने कहा कि एसपी से दूर ही रहो, बड़े टेढ़े किस्म का आदमी है, काबू ना आने वाला। तुम्हारे को बहुत तकलीफ हो जाएगी, तू चाहता हमारे को तकलीफ हो? नहीं ना? नहीं। तो शांत बैठ ना। तो भला उस थानेदार का कि केस को रफा दफा कर दिया, ये तो बनवारी की बेटी बैठी हुई थी थारे खिलाफ गवाही देने के लिए। क्या? वो बित्ते भर की छोरी की ये मत? हाँ, वो बित्ते भर की छोरी, बित्ते भर की, थारे चुंगल से मास्टर जी को वही छोड़ा के लेकर गई। अरे फसाद की जड़ ना वो बनवारी और उसकी छोरी है। आप सही कह रहे हो भाई साहब, हमारा ना दिमाग वाकई घुटने में, और हमारा ये घुटने वाला दिमाग मैंने कह रहा है कि सारे फसाद की जड़ प्रगति को ही खत्म कर दूं। ना लल्ला, सन्नाटा, ये सन्नाटा है ना बहुत जरूरी है, बाद में ऐसा धमाका करेंगे ना बनवारी तो क्या पूरा का पूरा गांव याद रखेगा। थारी छोरी उस मास्टरनी के चक्कर में पूरा दिन गायब थी, तने पता ना है? अरे कैसी माँ है तू, बित्ते भर की छोरी है उस पर नजर ना रख सके? तू जाने के कियो थारी छोरी ने? अरे इसकी मास्टरनी को गजोधर और उसके गुंडे उठा के ले गए, और जे गई थी उसे बचाने, मरते मरते बची है थारी छोरी। सरपंच के दिए घाव अभी तक भरे ना है, और जे चली है नए नए कांटे बोने हमारे रास्ते में। घर में सुख शांति तने बर्दाश्त ना है ना छोरी? एक काम कर, हमारे सबके खाने में जहर मिला के खिला दे, एक ही बार में किस्सा ही खत्म, फिर करती रहना अपनी मनमानी। पर दादी साहब, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो कैसा है? मैं और टीचर जी थाने गए थे रपट लिखवाने के लिए, और हम लोगों ने एसपी साहब से भी बात कर ली है, अब सरपंच साहब और छोटे को कोई नुकसान ना पहुंचा पाएंगे, और टीचर जी के साथ तो मैं भी गई थी गवाही देने के लिए। फिर अरे कोर्ट कचहरी थाना कुछ ना छोड़ा तेरी छोरी ने। मासा आप चिंता ना करो, मैं छोरी ने समझा दूंगी। अच्छी तरह से समझा देना, दोबारा ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए। हाँ, प्रगति तूने इतना बड़ा खतरा उठाया और मन ने बताया भी कूनी। लाडू तू हमारी बात क्यों ना समझे है? अरे सरपंच और हवेली वालों की नजर ना हमेशा तुझ पे रहे है, हमारे मन में तो यही डर लगा रहे कि कहीं कहीं तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे बोलो। और तुझे आशा जी को बचाने अकेले जाने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे कुछ हो जाता ना लाडू, तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। पर मासा, अगर टीचर जी को भी कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। लाडू मैं टीचर जी को अच्छा मानू हूँ, अरे वो तो सारे गांव का भला चाहे हैं, हमें भी उनका भला चाहना चाहिए ना, ये तो हमारा फर्ज है। पर इस तरह अपनी जान खतरे में डालकर अकेले जाना ठीक न था लाडू, तू तो हमेशा अपनी हर बात मुझे बताती है ना, तो इस बार तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मासा मुझसे भूल हो गई, मैं टीचर जी को पूरी रात याद करती रही, उनकी बातें याद आती रही, मैं उन्हें याद कर करके पूरी रात ना सो सकी, और मासा मैं अकेली ना थी, रानी और उसकी सहेलियां भी हमारे साथ थी। ठीक है लाडू,
मुझसे आज वादा कर कि कोई भी काम करेगी मुझे बताकर करेगी। ठीक है, आज मैं जो भी करूंगी आपको बता के करूंगी। मारी लाडो। सरपंच की तानाशाही की हद हो गई है। अब आज अगर सही समय पर प्रगति नहीं आई होती तो ये गजोधर और उसके गुंडे मेरे साथ पता नहीं कैसा सुलूक करते। रास्ता होगा सरपंच के अत्याचारों को रोकने का, जिससे उसे एक आम आदमी की तरह कानून के खटघरे में रहे। मैं दीपक सर से बात करती हूँ, वही कोई रास्ता निकालेंगे। हेलो। हेलो दीपक सर, सर मैं आशा बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, अखबार के दफ्तर में फोन आने का मतलब यही है कि काम बहुत जरूरी है। बोलिए सर। एक्चुअली जिस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है वो राजस्थान का एक बहुत छोटा और पिछड़ा गाँव। सर आजादी के इतने सालों बाद भी यहाँ पर लोग गुलामों की जिंदगी जीते हैं, और एक यहाँ सरपंच है जो अपने आप को यहाँ का राजा समझता है। क्या? वो यहाँ के लोगों पर तरह तरह के जुर्म करता है। क्या बात करते हैं? और यहाँ तक कि यहाँ के गरीब लोगों को अशिक्षित गुलाम बनाए रखने के लिए उन्हें स्कूल जाने से भी रोकता है। अच्छा? बड़े बड़े विधायकों से उसकी दोस्ती है, अफसरों को तो उसने रिश्वत दे के उनका मुंह बंद करके रखा है, कानून तो उसकी जेब में। एक उसका छोटा भाई, उसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको, उसने मेरा किडनैप किया, यहां तक कि मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। वो तो किसी तरह मैं स्कूल के बच्चों की मदद से बची। I can't believe this. देश को आजाद हुए 6 दशक से ऊपर हो गए, आज भी उसका जंगलार चलता है। अरे फिर क्या हो गया? मंत्री संतरी उसके जानकार हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कानून को अपनी जेब में डालकर रखे। आशा तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम्हारी जान को खतरा है तो मैं तुम्हारी ट्रांसफर करवा देता हूँ। नहीं दीपक जी, यही तो वो चाहता है कि मैं उसके डर से कहीं ट्रांसफर ले लूं। उससे मेरी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी मगर गांव वालों की समस्या और बढ़ जाएगी। इस तरीके से तो लोगों का साहस टूट जाएगा, और जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं वो तो यही सोचेंगे कि आशा जैसी टीचर अगर सरपंच से डर सकती है तो उस शिक्षा का क्या फायदा। खैर आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप इस बात को अपनी न्यूज में दिखा सकते हैं? बिल्कुल, इस बात की ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने एनी से बात करनी पड़ेगी। अगर वो मान गया तो फिर पक्का बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ओके आशा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। अगर ये पढ़ाई लिखाई आपको तमाशा लगती है तो भाई साहब अपने बेटे वीर को क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि वीर हमारे खानदान का इकलौता वारिस है, वही है जो हमारे वंश का नाम आगे ले जाएगा। और छोरियों को पढ़ लिख के क्या होता है? तूने पढ़ लिख के क्या कर लिया जो अपनी छोरी को पढ़ाने चली है? पढ़ लिख के तू एक बेटा तक ना दे सकी मने।